नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है इवानो फ्रेंकियुस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। इससे पहले भी हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी इवानो फ्रेंकियुस के, तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। शायद यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ पे एकोमोडेशन के पार्ट के बारे में, वहाँ का एक्रेडेशन पार्ट के बारे में, एज वेल एज वहाँ पे किस टाइप के स्कैम्स भी होते हैं उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब सबसे पहले ज़रूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं इवानो फ्रेंकियुस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्रेडेशन के बारे में। कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़, सपोज आप दूसरी कोई यूनिवर्सिटी, दूसरी कोई कंट्री की आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको सबसे पहला ध्यान रखना ज़रूरी होता है एक्रेडिशन पार्ट। एक्रेडिशन पार्ट क्यों ज़रूरी है? कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ MCI और WHO, दैट्स इट, इट्स इनफ। लेकिन ये चीज़ गलत है। हर एक कंट्री के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्रेडिशन रिक्वायर्ड रहते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला जो एक्रेडिशन रहता है वो है MCI का एक्रेडिशन, जो कि इवानो फ्रेंकियुस के पास अवेलेबल है। सेकेंड पे आप बात करेंगे तो वो आएगा WHO या फिर FAMR, वो भी एक्रेडिशन इवानो के पास अवेलेबल है। ये दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। उसके अलावा जो बच्चा PG के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, यानी कि UK या USA जाना चाहता है, तो वहाँ पे जो एक्रेडिशन की रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है ECFMG, GMC रजिस्ट्रेशन का पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे होना चाहिए UK के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी बात पे आएंगे कि कई बार फीस स्ट्रक्चर की बात होती है, तो फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है यहाँ पे। रीज़न क्या है कि इवानो के अंदर फीस का कोई इशू नहीं है। फीस तो $4,000 हर एक का कॉमन रहता है, लेकिन जो पैकेज का जो बाइफर्गेशन रहता है यहाँ पे, वहाँ पे बच्चा मिसगाइड हो जाता है, इवन पेरेंट्स भी मिसगाइड हो जाते हैं। होता क्या है, ट्यूशन फीस जो है इवानो फ्रेंकियुस का वो $4,000 है। उसका गवर्नमेंट हॉस्टल अगर आप लेते हो, जहाँ की स्पेस की रिक्वायरमेंट मीन्स अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी उसका कोई गारंटी नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है रेट है वो $380 है पर ईयर का। और बाकी जो वहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस होता है वो फर्स्ट ईयर का अकेले नहीं पे करना है आपको, इंश्योरेंस पूरे 6 साल के लिए लेना पड़ता है। ये क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल अगर नहीं मिलता है आपको, तो वहाँ पे आपका जो वो करीबन $1,000 दूसरा मीन्स ईयरली $1,000 आपको ज़्यादा पे करना रहेगा, जिसमें फूड इंक्लूड नहीं है। फूड आप खुद से भी पका सकते हो वहाँ पे, और मैस भी अवेलेबल है। अगर मैस ज्वाइन करते हो तो एवरी मंथ आपका $100 का एक्सपेंस आपको लगना है, और अगर खुद से पकाते हो तो $70-$80 में कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे आपका खाने का खर्चा। अगर फीस स्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे हम लोग, तो एक चीज़ ऐसी भी है अब्रॉड की कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, पेरेंट्स का और स्टूडेंट का ट्रस्ट लेवल जो रहता है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है कई बार। उसका रीज़न ये भी है कि पास्ट में कुछ पेरेंट्स को और कुछ स्टूडेंट को एक धोखा हुआ होता है किसी न किसी से। तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे स्कैमर्स भी रहेंगे ही रहेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, कई कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ से बचना ज़रूरी है, और किस किस टाइप का स्कैम्स वहाँ पे होता है वो जानना आपको आवश्यक रहता है यहाँ पे। तो स्कैम्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो फीस स्ट्रक्चर का जो होता है मैनिपुलेशन किया जाता है, फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट आपको बताया जाता है, वो एक सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रॉपरली गाइडेंस आपको लेना आवश्यक। कई बार कुछ कंसल्टेंट आपको ऐसा भी बताएंगे कि आपका जो फीस है आप उनको पे कर दीजिए और वो आपका डॉलर में कन्वर्ट करके यूनिवर्सिटी में पे कर देंगे। और वहाँ पे क्या होता है कि आपका पूरा 1 साल का फीस ले लिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पे किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 सेमेस्टर का फीस। और बाद में जब 1 सेमेस्टर ख़त्म होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ आपको 1 ही सेमेस्टर की फीस पे की गई है। तो कहीं पे भी आपको किसी के द्वारा वहाँ पे फीस करनी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए आप डायरेक्टली फ़ी पे कर पाए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में से जो इनवॉइस मिलेगा आपको, उसके ऊपर स्विफ्ट कोड एक मेंशन होता है, वो लेटर आप बैंक में जाके जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वो लेटर को, तो वहाँ से बैंक वाला ही डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र करके TT कॉपी जो है सेकंड डे में प्रोवाइड कर देता है। तो ये सबसे आसान तरीका हो जाता है फीस ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरी बात जो आती है यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हो, तो रेफरेंस के लिए उसको पूछिए। रेफरेंसेस जो होता है उससे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन लीजिए, और रेफरेंस क्या होना चाहिए। रेफरेंस किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को पूछे कि उसको मेडिकल का एक्सपोजर नहीं होता है उतना, तो वो आपको उतना डिटेलिंग में नहीं बता पा सकता। तो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेफरेंस दीजिए पहला, कि वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। सिटी के बारे में तो कोई भी बच्चा इन्फॉर्मेशन दे सकता है,
जो फर्स्ट मंथ वाला स्टूडेंट होगा वो भी दे देगा, एक महीना वहाँ पे रहा होगा तो। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड और फोर्थ ईयर का स्टूडेंट या फिर वहाँ से जो पास होके आया वैसा स्टूडेंट आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो रेफरेंसेस जब भी आप किसी का ले रहे हो तो प्रॉपरली जानिए कि वो स्टूडेंट या कोई भी जिससे बात कर रहे हो वो एक्चुअली क्या मायने रखता है। दूसरा, अगर बात करेंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो रहते हैं, अगर यूक्रेन में जाना चाहते हो तो यूक्रेन के दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी आप पूछ सकते हो, ये एक बेटर तरीका रहता है, उनके पास भी नॉलेज रहती है। जैसे कोई भी कंट्री में आप रहते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में दूसरे स्टेट वाले को दूसरे स्टेट का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बच्चों को भी मालूम होता है कि कंपैरिजन में क्या वहाँ पे दिक्कत है और क्या नहीं है। दूसरा, एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्रिएट होता है, पेरेंट्स लोग को क्या होता है, कई बार कुछ पैसा बचाने की चाह में पेरेंट्स लोग वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और वही स्टूडेंट उनके लिए एजेंट बन जाता है। कई बार स्टूडेंट से कांटेक्ट उनका सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है, कई बार किसी रेफरेंस के थ्रू भी होता है, और कई बार क्या होता है नेटिव लैंग्वेज का एक इन्फ्लुएंस भी रहता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो उनके थ्रू लेना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो सपोर्ट लेवल है एकदम वेक रहता है, वहाँ पे कुछ न कुछ परेशानी रहती है, वहाँ पे स्टूडेंट लेवल का जो बंदा है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और कई बार वहाँ पे करप्शन भी हो जाता है उनके साथ, मीन्स की फ्रॉड हो जाता है। तो उसके लिए ये एक पैटर्न है, उससे बचना ज़रूरी है। इवन इंडियन एम्बेसी ने इसको इलीगल भी घोषित किया हुआ है कि किसी स्टूडेंट को एजेंट बन के काम करना वो इलीगल एक्टिविटी है वहाँ पे। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी ऑथोराइज कंपनी है, कोई ऑथोराइज कंसल्टेंसी है, उसके थ्रू ही आप एडमिशन ले वहाँ पे, कि आपको कोई दिक्कत आए नहीं वहाँ पे। दूसरा जो चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जब भी कर रहे हैं कोई भी कंट्री के लिए, तो वहाँ पे NBE की जो वेबसाइट है, ये यहाँ पे हम लोग आपको ये वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखने को मिलेगी आपको, एज वेल एज यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। वो वेबसाइट के ऊपर जाके तीनों साल का वहाँ पे रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है, 2014 का भी अवेलेबल है, 18 का भी अवेलेबल है, और 19 का अवेलेबल है। तो वो रिजल्ट को रेफरेंस में लेके ही यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, ताकि आगे जाके आपको उसका रिजल्ट प्रॉपर मिल पाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे तो स्टूडेंट जो रहता है उसको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना होता है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट रहता है अपने लिए वो है FMGE का एग्ज़ाम, जो कि इन फ्यूचर नेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है 2022 के बाद। तो NBE के रिजल्ट को देखे बिना कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी का चयन ना करें। तो मेन यहाँ पे यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो गलत चीज़ों से गुमराह करके आपको एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पे कोई एजेंट भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, तो इस चीज़ों से आपको बचना आवश्यक है। और इसके लिए आपको सेल्फ रिसर्च रिक्वायर्ड है, वहाँ पे खुद से चेक कीजिए, खुद से इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप डायरेक्टली ये दिए गए नंबर पे ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा सोफ्तामो के थ्रू एडमिशन लेने का जो बेनिफिट है आपको, बेनिफिट क्या मिल सकता है, तो सबसे पहली जो बात आती है वो स्मूथ एडमिशन प्रोसेस, जिसमें सोफ्तामो की ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है। आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट से लेके वीज़ा से लेके आपका डिपार्चर से लेके हर एक चीज़ में सोफ्तामो के थ्रू आपको हेल्प की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट रहता है बड़ा, वो रहता है टेक केयर। क्यों? क्योंकि आपके साथ, आप अकेले यहाँ से कभी भी कोई भी कंट्री में फ्लाई नहीं करता, आपके साथ सोफ्तामो का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ अवेलेबल रहता है, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आने के बाद वहाँ पे एंड मोमेंट तक, यानी कि 10 से 15 दिन रुक के आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा के देता है, एज वेल एज वहाँ पे लोकल सपोर्ट भी हमारा अवेलेबल रहता है। उसके अलावा जो बात रहती है MCI और FMGE का कोचिंग जो आपका रहता है, वो हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपको प्रोवाइड करती है रेगुलर बेसिस पे MCI अपडेट्स के बारे में, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके वीडियोस, उसके नोट्स, हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई जाती है आपको, तो वो फ्री ऑफ चार्ज रहता है। रेगुलर ओरिएंटेशन रहता है आपका, वेबिनार्स रहता है यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो फैकल्टीज अवेलेबल है उनके साथ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, वो रेगुलर वेबिनार्स होते हैं आपके लिए। उसके अलावा जो IMGs है यहाँ पे जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अब्रोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ भी आपका एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है, मीन्स वो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे वो वेबिनार भी आपके लिए अवेलेबल होता है। उसके अलावा रेगुलर वेबिनार जो रहता है वो जो बच्चे जो PG कर रहे हैं USA या UK के अंदर या जर्मनी के अंदर, तो उनके साथ भी आपका वेबिनार होता है, जहाँ पे आपको वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से उनका जर्नी रहा था। तो ये एक बेनिफिट रहता है सोफ्तामो की ओर से, और बाकी का जो रहता है वहाँ पे फुल्ली सपोर्ट रहता है आपको, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने दी जाए, वो सबसे बड़ा काम रहता है हमारा। और एक ट्रांसपेरेंसी, एडवाइस विद ट्रांसपेरेंसी, यही हमारा एक मोटो रहता है। और कोई भी स्कैम हो रहा है तो उससे कैसे बचना है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देना आपको विद द गवर्नमेंट एविडेंस, ये हमारा प्रायोरिटी रहता है। हम लोग कभी भी विदाउट एविडेंस कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते, ये हमारा रूल है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले एवं लाइक ज़रूर से करें, और उसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से करें।
कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज ये दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं, एज वेल एज हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप चैट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे आपको पूरे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। अब तक लिए इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। धन्यवाद, टेक केयर।